तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जमीन घोटाले के आरोपी और बिरसा मुंडा के ये जो केंद्रीय कारागार में बंद कारोबारी विष्णु अग्रवाल को आज ईडी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। बता दें कि जमीन घोटाले में गिरफ्तार विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के लिए ईडी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी है, जिस पर कोर्ट में सुनवाई होगी। रिमांड मंजूर होने पर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से विष्णु अग्रवाल को ईडी दफ्तर लाया जाएगा, जहां उनसे जमीन घोटाले मामले में पूछताछ होगी। तो जमीन घोटाले के आरोपी और बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद कारोबारी विष्णु अग्रवाल को आज ईडी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अंजनी जुड़ चुके हैं। अंजनी, क्या कुछ आज पूछताछ होगी विष्णु अग्रवाल के साथ? देखिए, दरअसल कल कोर्ट की जो कार्यवाही है वो पूरी नहीं हो पाई थी, तो आज कोर्ट ने समय दिया है। तो ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो रहेंगे, उनके अधिवक्ता रहेंगे, और ईडी ने जो प्रे किया है कि 7 दिनों का रिमांड जो है कोर्ट दे, तो आज उसी पे सुनवाई होगी। और तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि विष्णु अग्रवाल को आज कोर्ट नहीं लाया जाएगा, यदि उनकी जरूरत होगी तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो होटवार जेल से जुड़ेंगे, और यदि उन्हें ईडी को यदि 7 दिनों या 5 दिनों का रिमांड यदि मिलता है, तब ईडी पूरी सुरक्षा के साथ होटवार जेल जाएगी, और फिर ईडी का जो दफ्तर है एयरपोर्ट रोड में, वहाँ उन्हें लेकर आएगी, और जितने दिनों का कोर्ट से समय मिलेगा रिमांड का, तो उसी अनुसार फिर ईडी पूछताछ करेगी। तो थोड़ी देर के बाद जो है ये मतलब कोर्ट की जो कार्रवाई शुरू होगी, तो ये पता चल पाएगा कि कितने दिनों का रिमांड जो है ईडी को मिला है। जी बिल्कुल अंजनी, हम लगातार आपसे इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। बाकी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।